आशा करता हूँ इससे कुछ आपने अपने हृदय में संजोया होगा, इससे कुछ प्रेरणा ली होगी। देखिए ये जो आज सत्संग हुआ है ये उत्सव का माध्यम था, इसमें एक पद मैंने प्रयास किया कराने का जिसमें आपका ध्यान बन सके, रूप ध्यान बन सके। मैंने यहाँ प्रवचन दिया था एक साल पहले, उसके पहले भी कई ऐसे सत्संगी थे जो पहले से महाराज जी से जुड़े थे, जानते हैं कैसे हमारे यहाँ संकीर्तन होते हैं, किस तरह से रूप ध्यान करना चाहिए। लेकिन फिर भी क्योंकि एक साल हो चुका है इसलिए आप लोगों को हिदायत दूंगा कि जैसा मैंने प्रवचन में भी बताया था और कीर्तनों में भी बार बार आप लोगों को समझाता हूँ, रूप ध्यान करना ये सबसे इम्पोर्टेंट है। जब तक हमारी साधना मन का चिंतन ही ठीक नहीं बनेगा तब तक केवल कीर्तन के बोल बोलने से या कीर्तन में बैठने से हमारा काम नहीं बनेगा। कीर्तन तो आप लोग घर में भी बैठे बैठे कर सकते हैं, लेकिन उसमें फर्क बस ये है कि जब यहाँ आके संकीर्तन करेंगे तो माहौल आपको अलग मिलता है, सत्संग का एक वातावरण होगा, उस वातावरण में ध्यान करने में मन लगाने में सुलभता होती है। जैसे आज मैं आया हूँ तो आज आप लोगों ने महसूस किया होगा उत्साह कुछ अधिक भीतर से, उसी तरह से ऐसा मान करके चलिए कि सामने महाराज जी बैठे हैं, जुगल सरकार बैठे हैं। अगर मैं नहीं भी आ रहा हूं तो भी प्रति गुरुवार जो यहाँ सत्संग हो रहा है उसमें ये देख रहे हैं कि आप उपस्थित हैं कि नहीं उपस्थित हैं, आप कीर्तन में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। इसलिए हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी ले, भीतर से ऐसा संकल्प करे कि हम लोग सत्संग में अवश्य जाएंगे। अगर आप छोटा मोटा बहाना दे करके कि कभी बारिश हो जाती है, कभी थकान हो जाती है, कभी आलस आ जाता है, ये सब चीजें बोल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपका मन अभी भी ये नहीं समझ पाया है कि सत्संग करना कितना आवश्यक है। और ये मानव देह क्षणभंगुर है, ये बात कभी मत भूलिएगा। जो भी जीव ये समझ चुका है कि उसका लक्ष्य परमानंद प्राप्ति है, उस जीव को ये बात भी समझ लेनी चाहिए कि परमात्मा की प्राप्ति कोई आसान चीज नहीं है, कोई हलवा पूरी नहीं है, उसके लिए बहुत प्रयत्न करने पड़ते हैं, प्रयास करना पड़ता है। और भगवान की भक्ति तभी प्राप्त होती है जब हमको उनकी भक्ति के अलावा और किसी चीज से संतुष्टि ना मिले। तो ये अवस्था कैसे आएगी, ये अवस्था बार बार सत्संग करने से आएगी, साधना करने से आएगी। और इसीलिए मैं बार बार आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप सत्संग में अवश्य आइए, क्योंकि जैसे जैसे आप सत्संग में आएंगे वैसे ही वैसे मैं पुनः आपसे मिलता रहूंगा। तो आशा करता हूँ कि आज जितने लोग मुझे मिले हैं अगली बार फिर उतने ही लोग मिले और उससे अधिक ही मिले। राधे राधे।